गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लास्ट क्लास ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग ग्लैंड्स लाइक थाइमस, गोनाड्स एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थाइमस ग्लैंड. थाइमस इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर मीडिया स्टेनम. आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहे हैं, थाइमस ग्लैंड मीडिया स्टेनम के अपर पार्ट, जो अपर मीडिया स्टेनम है वहाँ के एंटीरियर पार्ट में आपको ये क्लियर ग्लैंड दिखाई दे रही है. बर्थ के समय ये लगभग 10 से 12 ग्राम की होती है. बचपन से लेकर एडोलिसेंट स्टेज तक इसका वेट बढ़ रहा होता है और ये 20 से 30 ग्राम की हो जाती है और ओल्ड एज तक ये वापस छोटी हो जाती है. लगभग 3 से 6 ग्राम तक इसका वेट जो है वो रहता है और इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन का नाम है थाइमोसिन. तो ये थाइमस ग्लैंड की खासियत. दूसरा, ये फंक्शन क्या कर रही होती है, नाम से पता चल रहा है थाइमस ग्लैंड जो है वो टी लिम्फोसाइट्स है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आपने पढ़ी हैं, दो तरह के होते हैं टी और बी लिम्फोसाइट्स. और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस ग्लैंड से उसी में इसका इनिशिएशन हो रहा होता है, वहीं पे ये मेंटेन हो रही होती हैं और इसे रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम है थाइमोसिन. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. दो तरह की इम्यूनिटी आपके अंदर पाई जा रही होती है, AMI और CMI. AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है. CMI जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू उसका रोल चल रहा होता है. टी लिम्फोसाइट्स ही जब डेवलप हो रही होती हैं थाइमोसिन के द्वारा, तब टी लिम्फोसाइट्स CMI को मेंटेन रख रही होती हैं. तो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि थाइमस से जो है वो टी सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स बना रही हैं, थाइमोसिन रिलीज हो रहा है टी सेल्स का, ये थाइमोसिन डेवलपमेंट करता है और दूसरी इम्यून सेल्स भी जो है वो इसी से बन रही होती हैं. तो थाइमस ग्लैंड के लिए बस इतना काफ़ी है, इतनी छुटकी सी ग्लैंड है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, आपकी इम्यूनिटी में इसका रोल होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा गोनाड्स. इसके बारे में थोड़ा हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर गोनाड्स का एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसलिए हमें इसको अलग से भी पढ़ना है गोनाड्स को. तो गोनाड्स क्या हैं, द गोनाड्स द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही हम गोनाड्स कह रहे होते हैं. मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं ये. मेल में गोनाड्स को हम टेस्टिस कहते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ये ओवरीज दोनों पेयर्स में पाए जा रहे थे, टेस्टिस भी और ओवरी भी. तो टेस्टिस और ओवरी को हम मिला करके गोनाड्स कह रहे होते हैं. मेल के अंदर टेस्टिस जो है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल के अंदर ओवरी का काम है ओवा का प्रोडक्शन करना. इसके अलावा ये हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा होता है, इसलिए हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड, हालांकि गोनाड एक ऑर्गन है पर हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन जैसे कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन वगैरह का सीक्रेशन कर रहा होता है. एंड्रोजन को हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी पढ़ा था. अब सबसे पहले हम टेस्टिस पढ़ लेते हैं, दोनों ग्लैंड्स को एक एक पढ़ेंगे, टेस्टिस को भी पढ़ेंगे और ओवरी को भी हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है टेस्टिस. मेल सेक्स हार्मोन्स एज अ ग्रुप आर कॉल्ड एंड्रोजन. सभी मेल सेक्स हार्मोन्स को एक साथ अगर हमें बोलना हो तो हम एंड्रोजन उन्हें कह देते हैं. प्रिंसिपल एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से सीक्रेट होता है. ये थोड़ा बहुत एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी सीक्रेट होता है और ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो हमारे फीटल डेवलपमेंट के दौरान, जब बच्चा फीटस के फॉर्म में माँ के यूट्रस में डेवलप हो रहा है उसी समय इसका प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन का होना स्टार्ट हो जाता है और बर्थ के बाद थोड़े समय तक के लिए ये इस तरह से इसमें डेवलपमेंट इसका प्रोडक्शन होता रहता है. इसके बाद चाइल्डहुड में इसका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, वो रुक जाता है और प्यूबर्टी में वापस से ये रिज्यूम हो जाता है, वापस से इसका सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है. एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है और ये स्टीरॉयड, एक तरह का स्टीरॉयड हार्मोन है. स्टीरॉयड्स के बारे में भी हमने जनरल इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी पढ़ा था, तो हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे.
कि टेस्टोस्टेरॉन जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जितनी भी हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहा होता है। स्केलेटल और मस्क्यूलर ग्रोथ जो है मेल के अंदर स्केलेटल सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है, मस्क्यूलर बॉडी होती है उनकी, वो इसी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हो रही होती है, तो ये इंक्रीज हो जाता है। लैरिंग्स एनलार्ज हो जाती है जिससे कि वॉइस चेंज हो जाती है। आप देखिए छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो अगर बोल रहे हैं तो आवाज़ दोनों की एक जैसी आ रही होती है, आप आवाज़ सुन के नहीं बता सकते कि ये बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है क्योंकि एक जैसी आवाज़ होती है। पर प्यूबर्टी के दौरान जब बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं तो उस चेंजेस में एक चेंज ये भी होता है कि वॉइस चेंज हो जाती है, हुआर्सनेस जैसी आ जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है, मर्दाना आवाज़ जो लड़कों की दिखाई दे रही होती है क्योंकि लैरिंग्स का एनलार्जमेंट इनमें हो जाता है इस स्टीरॉयड हार्मोन की वजह से। इसके अलावा बॉडी पे हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाता है, और मेल सेक्सुअल ड्राइव भी जो है इस हार्मोन की वजह से प्यूबर्टी के अंदर बढ़ने लग जाती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ये प्रमोट कर रहा होता है, इस हार्मोन की खासियत है। टेस्टोस्टेरॉन का जो सीक्रीशन है वो भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ही रेगुलेट होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस के द्वारा हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा होता है और गोनेडोट्रोपिन्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है उसका भी इसके साथ में रोल होता है। तो दो का रोल है, हाइपोथैलेमस का और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोपिन का। ये पॉइंट हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी पढ़ा था, सेम पॉइंट हाँ वहाँ पे आया था, मैंने वहाँ भी आपको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम समझाया था। तो ये टेस्टोस्टेरॉन की खासियत है, हमने जो उसके बारे में पढ़ी कि ये मेल सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है एक्चुअली, जिसमें मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, और मेल के अंदर सेक्सुअल करैक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स, गोनाड्स वगैरह सबके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट करवाता है, स्केलेटल मस्कुलर बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाता है, वॉइस को चेंज करता है। तो ये सारे काम जो है वो टेस्टोस्टेरॉन के हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट गोनाड पढ़ेंगे, दैट इज़ ओवरीज। टू ग्रुप्स ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। दो ओवरीज पाई जा रही होती हैं ईच ऑन लेटरल साइड, जिनमें से दो सेक्स हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहे होते हैं। ये भी स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट और उनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों हॉर्मोन्स। जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही होती है तो एस्ट्रोजन, दोनों हॉर्मोन्स का अपना अपना रोल है, एस्ट्रोजन अपना काम कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन अपना काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन का अगर हम काम देखें तो एस्ट्रोजन प्रमोट करता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को। इसके अलावा फैट का डिपोजिशन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है, जैसे हिप्स पार्ट के अंदर, लेग्स में, थाइस के अंदर, ब्रेस्ट पोर्शन के अंदर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे यूट्रस और वेजाइना जो है वो मैच्योर हो जाती हैं इसी एस्ट्रोजन की वजह से। तो ये एस्ट्रोजन के फंक्शंस हैं। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूटेराइन चेंजेस कर रहा होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको थिकन करने का काम कर रहा होता है ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके यूट्रस, और अगर प्रेगनेंसी हुई तो अच्छी बात है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो शेडिंग हो जाती है, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ते हैं। और ये दोनों हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खाली ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन ही चेंजेस कर रहा है, चेंजेस दोनों हार्मोन्स कर रहे होते हैं, पर उस यूट्रस की लाइनिंग की थिकनिंग के लिए जो है प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो चेंजेस हम बोल रहे हैं कि भाई चेंजेस आ रहे होते हैं यूट्रस के में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स के अंदर चल रही होती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स होते हैं। तो गोनाड्स इसके साथ ही ख़त्म हो गया है। अब दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर हम पढ़ें तो और भी कुछ छोटी मोटी ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा था, अभी और पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल। कि इन एडिशन टू द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स अदर ऑर्गन्स हैव सम हार्मोनल एक्टिविटी एज पार्ट ऑफ देयर फंक्शन। दीज इंक्लूड द थाइमस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हार्ट एंड प्लेसेंटा। ये ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो सिर्फ, हालांकि ऑर्गन है ये हमारी बॉडी में, पर सिर्फ ऑर्गन की तरह ये वर्क नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी फंक्शन कर रहे होते हैं, तो इन्हें भी हमें देखना है। जैसे थाइमोसिन जो कि थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने में रोल प्ले कर रहा है, जबकि थाइमस, हालांकि इसको तो हमने पढ़ लिया, अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है थाइमस के बारे में, तो इम्यून सिस्टम में, बॉडी के इम्यून सिस्टम में रोल है इसका। स्टमक की जो लाइनिंग है जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उससे भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन। जब स्टमक के अंदर फूड पहुंचता है तो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन गैस्ट्रिक म्यूकोसा से रिलीज होने लगता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टमक की लाइनिंग होती है। ये हार्मोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का प्रोडक्शन भी करता है और एंजाइम पेप्सिन को भी रिलीज करता है, जिससे कि फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो पाता है। तो गैस्ट्रिन, पेप्सिन, ये सभी हॉर्मोन्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, HCl यहाँ से रिलीज हो रहा होता है। इसके अलावा वो तो स्टमक की लाइनिंग के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है, उससे सीक्रेटिन नाम का और कोलसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहा होता है। इसके सीक्रीशन की वजह से पेनक्रियाज स्टिम्युलेट होता है और बाइकार्बोनेट रिच फ्लूड पेनक्रिया से रिलीज होने लगता है, जो कि स्टमक को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। ऐसे तो स्टमक की पीएच जो है वो एसिडिक पीएच होती है, तो स्टमक की एसिड न्यूट्रलाइज हो जाती है जब बाइकार्बोनेट एल्कली होता है और स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंस होती है, तो ये बाइकार्बोनेट रिच फ्लूड जो प्रोड्यूस होता है पेनक्रिया से वो सीक्रेट होने लग जाता है, तब जब स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से सीक्रेटिन और कोलसिस्टोकाइनिन रिलीज हो रहा होता है। कोलसिस्टोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर का कंट्रैक्शन भी करवा रहा होता है और गॉल ब्लैडर से इसी वजह से बाइल का रिलीज होना स्टार्ट होता है। इट ऑल्सो स्टिम्युलेट्स द पेनक्रियास टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेनक्रिया से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सीक्रेट होंगे, तो वो जो सीक्रीशन हो रहा होता है वो भी यही म्यूकोसा की वजह से या इन जो हार्मोन्स है कोलसिस्टोकाइनिन वगैरह की वजह से हो रहा होता है। कोलसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास दोनों के ऊपर अपना असर दिखा रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है हार्ट। ये भी थोड़ा बहुत एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह वर्क कर रहा होता है, हालांकि मेन फंक्शन इसका पंपिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड को पंप कर रहा होता है, पर थोड़ा बहुत उसका एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी रोल देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो हार्ट के अपर चैम्बर पे वॉल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जा रही होती हैं जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं। ये हार्मोन एट्रियल नेट्रीयूरेटिक नाम का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको अपन एट्रियोपेप्टिन भी कहते हैं। इस हार्मोन का सीक्रेशन यहाँ से हो रहा होता है, तो हार्ट भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे एंडोक्राइन पोर्शन है, दैट इज़ प्लेसेंटा, जो कि प्रेग्नेंट फीमेल में डेवलप होती है, ताकि जो फीटस यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट मिल सके और गैसियस एक्सचेंज हो सके। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन फीटस तक पहुंचाई जाती है और फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट गैसेस जो हैं वो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकलती हैं। इसके अलावा ये टेम्प्रेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन कर रहा होता है। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि सिग्नल देता है मदर की ओवरी को और फिर ओवरी से जो है वो हार्मोन का रिलीज हो रहा होता है, ताकि यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन रखा जा सके। यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन हमने कहा कि भाई एक तो एस्ट्रोजन रखता है, हमने ये गोनाड्स के अंदर पढ़ा, तो ये एस्ट्रोजन जो उसको मेंटेन कर रहा है, प्लस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिलकर के ये मेन मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरोन का होता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिलकर के शेडिंग करवा रहे होते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान। तो ये जो HCG है वो ओवरी को ये सिग्नल देगा कि अगर प्रेगनेंसी जब चल रही है, क्योंकि HCG तो सीक्रेट होगा प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा तब बनेगा जब प्रेगनेंसी चल रही है, और प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर ये सिग्नल दे रहा होता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन रखा जाए, उसकी वो स्लफ ऑफ ना हो जाए, वो डीजनरेट ना हो जाए, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया
तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कॉज हो जाएगा। तो ये अबॉर्शन नहीं होना चाहिए नेचुरल कंडीशन में, तो उस चीज़ को रोकने का काम जो है प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला HCG कर रहा होता है। इसके साथ लगभग हमारे सभी हॉर्मोन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, सारी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो थी वो हमने पढ़ ली हैं। तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। ये अब इसके बाद हम थोड़ा सा कंक्लूजन देख लें दैट इन एंडोक्राइन सिस्टम वी यूज टू स्टडी एंड गेट नॉलेज अबाउट द वेरियस ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमने बॉडी की बहुत सारी अलग ग्लैंड्स पढ़ी, उनसे कौन से हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं वो पढ़े, उनके अलग अलग फंक्शंस पढ़े। तो आपको ये सारे नॉलेज जो है अपने क्लिनिकल एरिया में काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा हार्मोन क्या रोल कर रहा है, तो कोई बीमारी हुई है या उसको कैसे ठीक करना है, तो उन सब के लिए आपको ये नॉलेज काफ़ी काम आएगी। नर्सिंग केयर की क्वालिटी को बढ़ाने की नॉलेज काम आएगी। समरी हम देख लें कि हमने एंडोक्राइन सिस्टम में क्या डिस्कस किया था। तो कई सारी ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थाइमस ग्लैंड, गोनाड्स एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शंस और उनके डिसऑर्डर्स भी पढ़े। इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, इसमें सारी ग्लैंड्स बताई गई हैं। ब्रेन के पोर्शन में हाइपोथैलेमस, पिनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड गर्दन के अंदर, हार्ट वाले रीजन में थाइमस ग्लैंड दिखाई गई है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, उसके पास में पेनक्रियाज है जो स्टमक रीजन में होता है, पेल्विक पोर्शन के अंदर फीमेल में ओवरी, और मेल के आउटर रीजन के अंदर एक्सटर्नल जेनिटालिया के पास में टेस्टस जो है वो बताई गई है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। ये क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा भी जो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए भाई ग्लैंड को कैसे डिफाइन करना है, वो कितने तरह की होती हैं, सभी हॉर्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं उनको आप एनालिस्ट करिए, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, गाइनिकोमेस्टिया मैं आपको समझा चुकी हूँ वो क्या चीज़ है उसको बताइए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या चीज़ है देखिए, ये आपके बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो इसे याद करिए आप। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने हैं। इसके अलावा आपके लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उन्हें देख लीजिए, या आपके खुद की कोई भी कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस ये आपके नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको ये दी है, ये जो हमारी क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो आपके नोट्स के फॉर्म में हैं। इनके अलावा आप अपनी बुक पढ़िए, बुक के अंदर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है, कोई क्वेरी आपके पास है, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मेल आप मुझे कर सकते हैं क्वेश्चंस जो हैं। तो क्योंकि आज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि जब कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके क्वेश्चंस हमारे को डिस्कस करने होते हैं। तो आप क्वेश्चंस मुझे भेजिए, अगर आप मुझे क्वेश्चंस देते हैं तो मैं अपनी एक क्लास आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रख लूँगी, और अगर आप क्वेश्चंस नहीं देते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, जो होता तो नहीं है पर फिर भी अगर बाय चांस शायद आपके क्लियर हो जाएं, तो हम अपना नेक्स्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप पढ़िए और अपने क्वेश्चंस मुझे भेजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।